दीपक एक बार फिर से धाराशाही। हमें 15 मिनट हो चुके हैं, अभी ये पहली नहीं लगी। लगा के भी गिर गया भाई ये। तो ये बेताब वैली के लिए हमने नीचे कट ले लिया है। ये ऊपर वाली जो सड़क है ये जा रही है तेरी बालटाल है ना, चंदनवाड़ी। ये जो ऊपर वाली सड़क है ये जा रही है चंदनवाड़ी और हम आ गए नीचे। ये सड़क जा रही है बेताब वैली। तो एक अच्छी सी लोकेशन पे यार अपना कैंप सेटअप करते हैं और चाय वाय पीते हैं यार। चाय लिखी सुबह की और मैगी वैगी बनाते हैं। सड़क नैरो हो गई है तो एक टाइम पर एक ही गाड़ी यहाँ से आ जा सकती है। और स्नो दोनों तरफ बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखो स्नो ही स्नो है। ये आगे हमारा, ये आगे चल रही है हमारी KTM मनी। काफ़ी सहमा सहमा सा लग रहा है बेचारा। ये एक्चुअली दो तीन लोग गिर चुका है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ये डर के चला रहा है बाइक। तो गाइस दिस इज़ बेताब वैली। आई थिंक ये बेताब वैली की पार्किंग है। इस गाड़ी की पार्किंग लगती है तो दोस्तों हम बिना पैसों के पहुंच गए बेताब वैली और मेरे ख्याल से 100 रुपए का टिकट है एंट्री टिकट। एंट्री टिकट 100 रुपया, 100 रुपए का एंट्री टिकट है। और अंदर जाके देखते हैं क्या है उसके अंदर, 100 रुपए खर्चने लायक है या नहीं, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन स्नो चारों तरफ बहुत है। पर क्या है ना, इतना लंबा हम आते हैं ना तो एक बार जाना सही है। एक बार जाना तो बनता ही है यार, एटलीस्ट कम से कम आप लोगों को तो पता चल जाएगा ना अंदर है क्या। और ये बिल्कुल भी मत। हाँ, और एक ये यहाँ का बड़ा स्पेशल ड्राई फ्रूट मिल रहा है, ये देखो बिल्कुल कलरफुल। अब ये कितना असली है कितना नकली है भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये है कुछ हमारी बेताब वैली का एंट्री गेट। दिस इज बेताब वैली, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है हमारा बेताब वैली। वेलकम टू बेताब वैली। कहाँ गया अंकुश, कहाँ गया? एंट्री गेट और ये एरिया तो आराम से चलते हैं। वो देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, दिस इज बेताब वैली। सो गाइस लेटेस्ट सूरत हाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल से एक ब्रिज पर और मेरे पीछे की लोकेशन है कुछ ऐसी। स्टॉल्स भी हैं जहाँ पर हल्का फुल्का स्नैक्स ले सकते हैं। और ये पड़ी है कांगड़ी, कांगड़ी बोलते हैं। हाँ, कांगड़ी। ये कांगड़ी। हाँ, सिस्टर। और ये डस्टबिन। डस्टबिन नेक्स्ट लेवल। ये बहुत ही क्यूट सा एक छोटा सा ब्रिज जो कि स्नो में दब चुका है बिल्कुल। सो गाइस दिस इज बेताब वैली। और अभी जैसे जैसे सूरज ढल रहा है यहाँ का टेम्परेचर भी डाउन होता जा रहा है। और वहाँ ऊपर माउंटेन पे धूप है अभी, लेकिन टेम्परेचर बहुत तेजी से डाउन होगा यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी धूप में भी माइनस में था कुछ 3-4 डिग्री।
तो धूप जाने के बाद पता नहीं क्या हाल होने वाला है यहाँ पर। तो तीन चार क्या पिछले 7-8 दिनों से तो खूब मस्ती कर रहे हैं श्रीनगर के होटल में। अभी होटल में लगता है थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। स्नो बहुत है यहाँ पर और ऐसा लग रहा है जैसे कि ना फ्रेश स्नो गिरी है यहाँ पर, बिल्कुल मतलब फ्रेश स्नो है। और टूरिस्ट भी काफ़ी अच्छा खासा है यहाँ पर। तो दिस इज़ बेताब वैली। अब कहाँ पर शूटिंग हुई थी कहाँ क्या वो तो आइडिया नहीं है मेरे को बिल्कुल भी, मैं इसको पहचान नहीं पा रहा हूँ। जो मूवी मैंने देखा था उस टाइम तो सारा ग्रीन था, ये पूरा ग्रीन था, अब बिल्कुल वाइट है। दोस्तों लेटेस्ट सूरत हाल यह है कि हम इस टाइम खड़े हैं बिल्कुल बेताब वैली के बीच में। मेरे चारों तरफ बेताब वैली है और टू मच स्नो है यहाँ पर, स्नो ही स्नो है। जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है स्नो ही स्नो है। टूरिस्ट भी यहाँ बहुत हैं और एक अलग तरीके का लैंडस्केप यहाँ पर है। अभी हल्की सी धूप निकली है तो थोड़ा सा राहत मिला है ठंड से, अदरवाइज़ ठंड भी बहुत है, हवा भी रुक गई है। इस गर्मियों में अलग ब्यूटी होती है, सर्दियों में अलग ब्यूटी होती है। इस टाइम हम है विंटर कश्मीर में, तो विंटर में देखिए मेरे पीछे ही सारी बेताब वैली है। और वो जो पीछे वो पहाड़ देख रहे हो ना वो वाला, उससे 2-3 पहाड़ पीछे हमारी अमरनाथ गुफा है। यहाँ से करीब 12 किलोमीटर आगे चंदनवाड़ी है जहाँ से यात्रा शुरू होती है, और उसके पीछे है अमरनाथ यात्रा और उसके पीछे अमरनाथ गुफा जहाँ पर श्रद्धालु लोग जाते हैं। तो जैसा कि अभी आपने सोनमर्ग में देखा होगा जगह जगह लिखा हुआ था यात्री निवास, तो वो इसीलिए लिखा है कि वो जो श्रद्धालु आते हैं ना अमरनाथ यात्रा करने, उनके लिए रहने की सारी जगह यहाँ पर है। तो एक अलग सी फीलिंग आ रही है जब से पता चला है कि हम अमरनाथ गुफा के इतनी पास हैं। हालाँकि वो पास नहीं है, यहाँ चंदनवाड़ी से भी जो ट्रैक है उसको 2 दिन लगते हैं, यहाँ से 2 दिन लगते हैं। लेकिन ये जो 2 दिन का रास्ता है ये फ्लैट है, मतलब इतनी चढ़ाई नहीं है, आराम से मतलब चलते जाओ 2 दिन लगेंगे, ऊपर आप गुफा में पहुंच जाओगे। और जो दूसरा रास्ता है वो है पीछे बालटाल से, श्रीनगर से बालटाल से, वहाँ से कहते हैं कि 22 किलोमीटर की वहाँ पे ट्रैक है और वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ऐसा बोलते हैं, मतलब जो मैंने सुना अभी। तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन एक अलग सी फीलिंग आ रही है जब से पता चला है कि इस माउंटेन के पीछे ही अमरनाथ की गुफा है और उसमें हमारे हर हर महादेव स्थापित हैं। तो चलो महादेव को अलविदा कहते हैं और इस उम्मीद में कि कभी उनका बुलावा आया तो हम अमरनाथ यात्रा ज़रूर करेंगे। अभी भाई लोग बात तो कर रहे हैं करने की, पर अभी देखते हैं कब हो पाता है। अभी तो टू मच स्नो है तो भूल ही जाओ, अभी तो खैर अप्रैल में आई थिंक मई में या जून के स्टार्टिंग में खुलता है ये रास्ता, आर्मी जब ऊपर पूरा रास्ता वगैरह साफ़ करती है तो लोग जा सकते हैं वहाँ पर, देखते हैं। फिलहाल हम बेताब वैली को अलविदा बोल रहे हैं। एक नंबर बाबा, एक नंबर।
नेक्स्ट टाइम वहाँ जाना है, वहाँ आम के बगीचे ऊपर। तू बैठना इधर। ये देखो, इससे आप अंदाजा लगाओ कि कितनी हैवी स्नोफॉल यहाँ पर हुई है। बेंच अंदर चला गया है भाई साहब। अब ये बैठने के लिए नहीं है, ये वो लेटने के लिए। वो देखो कितना कितना स्नो स्नो है भाई साहब, कितना कितना स्नो है। दोस्तों लेटेस्ट सूरत हाल यह है कि गरीब रथ का किचन खुल चुका है। अभी यहाँ बनने जा रही है राक्षसों के लिए मैगी। राक्षस भी दिखा दो। ये देखो, अब इसमें बनानी है हमने 5 मैगी। कमेंट में बताओगे बनेगी कि नहीं बनेगी भाई। बन जाएगी 5 मैगी? बन जाएगी। चलो नहीं, चल, भाई लोग कह रहे कि बन जाएगी। बेटा पानी लिया घर से, पास में रहते हो? नहीं कुछ नहीं। चलो जी। सो गाइस, लेटेस्ट सूरत हाल ये है कि हमने अपनी बोलेरो नियो के किचन में बनाई है मैगी। बेताब वैली से जस्ट नीचे उतर गई और ये भाई लोग पूरा पूरा मजा ले रहे हैं मैगी का। थैंक यू लकी बाजी, बहुत वेलकम बच्चे, बहुत वेलकम जुइंदरो बच्चे, जुइंदरो। ये हमारा ना बाप जैसा ये हमारा ना बाप जैसा ख्याल रखते हैं। पर मैं जेब खर्च नहीं दूंगा सालो। जेब खर्च ये लेते हैं, सुबह आ जाते, एक बंदा रखा हुआ है इन्होंने पैसों के लिए। 2000 रुपए, 3000 रुपए दे, रोज का काम है ये। तो अभी हमारा यहाँ पे आइस मेल्ट हो रहा है, इसे हम कुकर साफ करेंगे, उसके बाद इसमें सूप बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें बनाएंगे हम यम्मी यम्मी चाय, दूध की पत्ती पावांगे आप। तो फटाफट ये मैगी खत्म कर देता हूँ क्योंकि इन सालों की खत्म हुई तो इस पे झपट पड़ेंगे। भैया 5 मैगी से तो इन 5 पांडवों का कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो अभी हम दोबारा से 3 मैगी बनाने जा रहे हैं, उसमें डालेंगे हम 6 अंडे और देखते हैं क्या एक नया नई डिश बनेगी। तो बेताब वैली में बनने जा रही है एक अंडा मैगी। थोड़ा सा मनी भाई थोड़ा सा डाउट ले रहा है कि पता नहीं कैसा बनेगा। बहुत बढ़िया बनेगा, पर जैसा भी बनेगा ना बढ़िया होगा। वेट कर रहे हैं ना। ब्रेड बढ़िया है, तो मुर्जी बना दे। मुर्जी बनेगी मैगी, मुर्जी बन रही है मैगी।